विश्व के तीसरे और एशिया के दूसरे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट से जब इंसान 8 से 9 हजार फीट ऊपर परिंदों की तरह उड़ रहा हो, 8.5 से 9 हजार फीट ऊपर और नीले आसमान में खुशी से गोते खाते हुए इन भारत की ऊंची ऊंची हिमालयन धौलाधार रेंज माउंटेन्स के नज़ारे लेते हुए और ठंडी ठंडी हवाओं से बातें कर रहा हो। कभी कोई जाता है ना जाने कितने कर्जे ये चुकाता, कभी बोलती है ये कभी छुपाती हजारों ख्वाहिशें ये रोज। और जब पाइन फॉरेस्ट से भरे जंगल देखने को मिले, टीके को ये राह दिखाती, खुदा की कोई लौ है जो जलती ही, शहर की भीड़ भाड़ से दूर इतनी शांति से वास्ता हो कि आपको खुद की सांस लेने की आवाज तक सुन सको, तो मुबारक हो दोस्त, आप हिमाचल के छोटे से गाँव में आ चुके हैं जिसका नाम है बीर। अगर राइट से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट ले ले, देख लाइट उधर ही पलटी मारेगी। बीर नाम से जितना ही छोटा है उतनी ही बड़ी इस गांव की कहानी है। ये एक हिमाचल का बहुत छोटा सा गांव है जहां कारोबार के ऑप्शंस इतने नहीं हैं। पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण यहाँ के लोगों को भारी बरसात और बर्फ जैसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। प्रकृति ने दी बीर को इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट और दी सबसे सुरक्षित लैंडिंग साइट, जहाँ सबसे पहली उड़ान भरी एक ब्रिटिश पायलट ने जिसका नाम था ब्रूस मिल्स, और उसने यहाँ के लोगों को पैराग्लाइडिंग सिखाई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की 60% आबादी पैराग्लाइडिंग करना जानती है और इसी को पैसे कमाने का एक जरिया भी बना चुकी है। और बस इसी के साथ यहाँ पे 2015 में वर्ल्ड की पहली पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप भी हो चुकी है। यही नहीं, यहाँ पैराग्लाइडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली से बीर के इस सफ़र को हमने कैसे तय किया और क्या क्या तकलीफें आई और कैसा रहा हमारा ये सुंदर सा सफ़र। और दोस्तों, मैं बार बार हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है 3 से 4 नमूने और भी है। हेलो दोस्तों, भाई गलत और बरमानी ट्रैवल हमारी आ चुकी है। बस मतलब बिजनेस क्लास है, बड़ी मस्त राइड कर रखी है, एकदम वीआईपी जगह है जिसको हमने बुक किया था अभी बस से। बाकी तुम भी वहीं से कर सकते हो और हमारे साथ मजे ले सकते हो। तो चलो फिर हम अंदर बस में जाके बात करते हैं। चलना अंदर भैया, सुनो जय बोल देना, बस जय बोल देना, जय बोल देना, बोल कल्लू महाराज की जय, बोल कल्लू महाराज की जय। इधर से भी जय कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी बस प्रस्थान हो चुकी है दिल्ली के कश्मीरी गेट से और हम जा रहे हैं बीर की तरफ। ठीक है, और दोस्तों वीडियो में ना पूरे भरे हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हें ना एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। अगर तुम भी भीड़ जा रहे हो ना, तो ये बात ना ध्यान रखना, बड़ा स्कैम हुआ ना, तुम सोच नहीं सकते हो। अब जाके इतने चिल मूड में सारे बैठे ना, वो इसलिए बैठे हैं मेरी वजह से। तेरी वजह से ना भाई, इसकी वजह से। इस बंदे ने भाई बहुत मेहनत करी है मेरे कहने पे, टिकट लास्ट में बुक करी है। गोलू मान जाए यार, तू तो यार मान, साला काम करता हूं इनके साथ में, तब भी मेरे को इनका लीडर बनना पड़ता है। अबे बंदे तो बैठे हुए हैं यार इधर ही, वो देखना कट हो जाएगा बेटे, तुम क्या सोच रहे हो व्लॉग में आएगा, सब कट हो जाएगा। व्लॉग में ना आए भाई, हम आएंगे बस महफिल मित्रा दी। तो दोस्तों, हमारा पहला उल्टू है मयूर यार। ये क्या चल रहा है यार, अब दल्लो व्लॉग करने दोगे। तो दोस्तों, हमारा पहला उल्टू है मयूर ढाबे पे और टाइम हो रहा है 11:30। दोस्तों हमने लिए एक अपने लिए जीरो शुगर और भाई ने लिए कॉफी, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा गर्म चल रहा है। हम लोंडे भाई बहुत सिंपल होते हैं, देख लो उसके हॉर्न पे नाचने लगे सारा उल्टा सीधा, वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी पूरा का पूरा। खैर छोड़ो, वो तुम्हें पता मेरे पीछे ना लड़की बैठी है, बता रहा हूँ बस, मेरे पीछे लड़की बैठी है, बता रहा हूँ मेरे पीछे है भाई। जितने ना 2, 4, 5, 5 - 1, 4 चार फ्लेक्स करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो, लड़के बहुत सिंपल होते हैं भाई। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा जोना नाचे, तो बड़ी नींद आ रही है और मैं तो सो ही गया था। मैंने आँख बंद करी, एक घंटे की नींद, कभी मेरे को पता ही नहीं चला। पता नहीं
कभी चलते चलते ये भटकाती, कभी भटके को ये राह दिखाती, होता की कोई लौ है जो चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती। तो दोस्तों रात हम कश्मीरी गेट से 9 बजे या 8 बजे के करीब समथिंग मतलब की बैठे थे बस में। जो हमारी बस है ये खड़ी हुई है बिजनेस क्लास ब्राह्मण बरमानी जो भी है, ठीक है। अब हम 8:30 बजे ही यहाँ पे उतरे। अब हमने सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे हैं कि भाई हमने ना बुक वुक नहीं करा था। अब यहाँ पे हमने डोरमेट्री या हॉस्टल वगैरह कुछ तो लेंगे ही, तो अब उसकी खोज में निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या सीन है। और यहाँ पे ना भाई आती जो ये नज़ारे ये दिख रहे हो, ये बेटे ये इनको देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना अंदर ही, वो फटी भी रही है, बहुत ज्यादा हाइट से उड़ रहे यार। ये वीडियो में ना दिख नहीं रहे तुम्हें, जूम करने को जूम ये देख ना। और हम ना लैंडिंग साइट पे ही है, मतलब जहाँ पे लैंड करते हैं ना हम उसके पास में ही है। तो हम सोच रहे हैं हमारे आसपास ही कोई हॉस्टल या होम से कुछ ऐसा अच्छा सा मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है, मतलब अब सारे के सारे सर्च करेंगे हॉस्टल वगैरह। वैसे हमने सर्च कर रखा है, बस बुक करना है। ओ तेरी भी है, चले भी यहाँ सर पे लैंडिंग कर देंगे। अरे एक बंदा टकरा गया उतरते हुए, डर तो मुझे बहुत लगेगा। ये तो बात है, डर की बात किस वजह से दोस्तों। तो दोस्तों बात ऐसी है, देखो इधर सिर्फ 10 से 20 स्टेप चल के लैंडिंग साइट है, और यहाँ से माउंटेन धोलाधार माउंटेन दिख रहे हैं, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। और जस्ट इसके जस्ट बगल में हमको होटल मिल गया, मतलब होम से मिल गया भाई, बहुत सही है, बहुत सही है। और ज़्यादा हमको मतलब ज़्यादा प्राइस में भी नहीं मिला है, बढ़िया। मतलब बंदा ना बहुत अच्छा था जो भी हमें उम्र में जो सर्विस देने वाले हैं भैया। और बैग वैग मैंने पहले ही रख दिया है ना, ये रूम है, इधर से नज़ारा है। बाकी रात में छतवत पे भी जा सकते हैं। ये सारे पहले ये भैया जिनकी बात कर रहा था ना भाई, ठीक है। ये रूम अभी रूम में ना साफ सफाई चल रही है, जब साफ सफाई हो जाएगी ना थोड़ी सी तब मैं रूम टूट दूंगा तुम्हें बढ़िया सा। बाकी ये देखो भाई, बाकी ये देखो तुम चेक करो इसकी टेंट, लैंडिंग पॉइंट से ठीक बगल में। तो चलो फिर थोड़ा सा रूम वूम क्लीन होने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रूम टूट दूंगा और फिर एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे। मतलब अब तुम देखो भाई यार, सिता भाई इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मेरे को यार, ब्लॉग करते हुए मजा आ रहा है मतलब पूरा पूरा। मिलते बाद में। अरे कर दोस्तों पुशअप देखो कैसे मारता पुशअप, ओए इतने दिखाते हैं। अबे ये क्या पुशअप है, ये क्या है, पता कैसे, ये पता क्या कर रहा था, क्यों कर रहा है, ये कौन सी पुशअप है, मेरा बेटा दिखाएगा। पोठे नीचे का चलाओ, अबे देख ना, अबे नहीं कर रहा तेरे से छिना नहीं बैठ रहा वो अपना वो ये क्या था, ये तो कर दिखा रहा, ये देख बात इज द बेस्ट, रिजवान हीरो इज द बेस्ट। अबे चल भाई बोलू तू ना ले, हम तो जा रहे हैं। नहीं मैं लगा हूं, ये गैपिंग है नहीं, सिंपल है आपका भाई, लड़के बहुत सिंपल है। देख लो ब्लैक टी-शर्ट नीचे डेनिम डाली, वो भी कटी फटी, बस शूज पहन लेंगे चलो। अब बिना नहाए छी बैठ धोए नहाए भी नहीं, गोरे होने का यही फायदा है बेटा, गोरे होने का हगना भी चाहिए। देख रे काफी है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बजट में ही मतलब खाना पीना करूँ और हेल्दी करूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि मैं बाहर भी अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट या खाना वाना लूँ। तो देखते हैं क्या मिलता है, अभी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। गाली कितनी देर लग गया हूँ यार, लग रहा है। सबसे बेस्ट चीज यहाँ की पता है क्या लगती है, तुम कहीं भी नजर घुमाओगे ना, कहीं भी इधर इधर सब जगह पैराग्लाइड है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वे बात हो चुकी है वैसे। हाँ ऐसा लग रहा है मतलब जैसे कि ना इंसान को पर लग गए हो और यहाँ पे आके उड़ रहा है, कहीं भी मन मोजी हो रखा है। ये लो और बताओ, ये लो और बताओ, बहुत बढ़िया। कहीं भी नजर मारो, कहीं भी भाई, बहुत प्यारी चीज है यहाँ की, सबसे बेस्ट चीज़।
इसीलिए ना हिमाचल को, हिमाचल के बीर को ना इसीलिए कैपिटल बोलते हैं पैराग्लाइडिंग का। खैर अब हमने सर्च करा है। ओए क्या नाम था उसका, नाम भूल गया यार मैं। अरे उसका नाम क्या था, जय करके नाम था, जय भवानी। जय भवानी चौक, जय भवानी कुलचा सेंटर। हल्के में मत लेना क्योंकि वो देखने में छोटा लगेगा, बट वहाँ पे ना सारी चीज़ें हेल्दी, चावल राजमा, मतलब अगर आप यहाँ पे आके पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने से थक चुके हैं तो फिर आप वहाँ पे कंसीडर करना। और आप जाके टेस्ट भी बता देंगे और प्राइस भी मेरे हिसाब से मिनिमल होगा वो, तो जाके चेक करते हैं। और यार रोड कितनी ब्यूटीफुल है भाई, मतलब चारों तरफ नज़ारे, कहीं भी मुँह घुमा हुआ है ना, कहीं भी कहीं भी। ये देखो सारे पैराग्लाइडर्स हैं, ये सारे पायलट्स हैं अपने सेटल कर रहे हैं, सारे के सारे पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर सारे मैनेज कर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ का अगर मैं तुम्हें सजेशन करूँ ना, मैं जहाँ तक सबसे सुन रहा हूँ कि यहाँ का सबसे फेमस और अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ पे मिलता है, तो भाई ये है हिमालयन पिज़्ज़ा, मतलब सबसे बेस्ट है इधर का ये जो है। और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, पर तुम्हें ना रेट ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, प्राइस वगैरह काफ़ी हो गए। और यहाँ पे 2014 से ये जो है चल रहा है, मतलब अंदर बुक वुक पढ़ने के लिए सब कुछ ही होता है। बट ब्रो वी आर बजट ट्रैवलर। तो दोस्तों इसी तरह जय भवानी कुलचा सेंटर का शटर बंद है। कभी लम्हों की ये चुस्कियां लगाती, कभी गाने कभी सिस्कियां सुनाती, आती समझ बड़ी देर से आती है, सीधी लिखी है पर बुद्धू बनाती, खाली लिफाफा कभी पूरी चिट्ठी, कभी पूरा घर कभी मन बार मिट्टी, कभी खुद से मन में ये राम बसाती, कभी आईने में ये रावण दिखाती, खुदा की कोई लौ है जो जलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है जिंदगी। तो दोस्तों हम आए हैं सपना किचन में, पर ये कुछ बहुत बढ़िया सा लग रहा है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ले लेना स्क्रीनशॉट, ले लेना। तो दोस्तों हमने ना 3 थाली वेज की मंगाई है ताकि मिक्स करके खा ले, और कुछ आलू पराठे मंगाया भैया ने, ठीक है टेस्ट करके बताएंगे कैसा। से अम्मा छत पे कैरी सुखाती है जितनी पुरानी। दोस्तों हमारी थाली यहाँ पे आ चुकी है, सिनेमैटिक शॉट्स देख भी लेंगे, तो हम जल्दी से इसको ख़त्म करके फिनिश करके और मिलते हैं। और इसका प्राइस है 180। ये गूगल पे जो 5 स्टार मिले हुए इसी रीजन से मिले हुए। भाई खाना सच में बहुत टेस्टी था यार, मैं तो प्रेफर करूंगा। दोस्त तू करेगा प्रेफर? बिल्कुल। और भैया तुम? बट क्वांटिटी के मामले में भाई पक्का तो अब यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है दोस्तों, चलते चलते हम वहीं पे जा रहे हैं। बहुत सुंदर सी मॉनेस्ट्री दिख रही है, देखो धर्मशाला। अपनी गैंग जा रही है, धर्मशाला नहीं है ये, मॉनेस्ट्री होती है जहाँ पे मंक वगैरह अपना वो करते पढ़ते हैं, अध्याय करते हैं। अभी 10-12 मंक आ रहे थे इधर से, हमने देखा था। नेपाली मंक थे, तिब्बतन। ये जिन्नी है छोटी सी, रेड कलर में क्यूट लग रही है बड़ी। इसकी एंट्री कहाँ से है मगर? यहाँ से। यार बड़ी ब्यूटीफुल रोड है इधर के, मतलब कहीं भी देखोगे वहीं पर। मैं करना यार, मैं हाथ दुख गया यार, अच्छा नहीं था ऐसे पकड़ना, हाथ थोड़ा और इधर से। आरेंगे बोए। तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, समझ तो मेरे को भी नहीं आ रहा, बट यहाँ पे ना मोंक होते हैं, वो बुद्धिस्ट धर्म के मोंक होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे बैठ के अपना अध्याय करते हैं, अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा मतलब व्यास करते हैं और सीखते हैं। उनका बचपन से ही
ऊपर करना, उनका बचपन से ही यहाँ पे रहते हैं और सब कुछ त्याग त्यूग के मतलब जिंदगी सब कुछ त्याग वगैरह करके, तो उनका यहाँ पे ये धर्मशाला होती है जहाँ पे आके वो कुछ सीखते हैं। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। जैसे अम्मा छत पे कैरी सुखाती है, जितनी पुरानी हो उतनी सुहाती, इसका ना धर्म ना कोई भी जाति है, सासे दिया धड़कन इसकी बाती, गम घर छोड़ के जब चला जाता तभी खुशी तुझ पे ये हक जताती, खुदा की कोई लॉ जो चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के 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 चलती जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है। तो मैं तो थक गया हूँ, मतलब थक गया इन द सेंस, मैंने इसको इतना एक्सप्लोर करा, मतलब बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, मतलब इतनी शांति है कि, और एक वहाँ पे ना, वहाँ पे एक कॉर्नर है, वहाँ पे बैठ के इतनी ठंडी हवा ही चल रही है कसम से, इस पूरे एरिया में ही चल रही, पूरी मोनेस्ट्री में इतनी ठंडी हवा नहीं लग रही, और वहाँ पे बैठ के इतना सुंदर और इतना सुकून मिल रहा है ना भाई दिमाग को, मतलब नेक्स्ट लेवल यार। और सबसे बेस्ट तरीका जो है ना मोंग से इंटरेक्ट करने का वो क्या है, जैसे हमारे इधर नमस्ते बोलते हैं ना, तो उनमें बोलते हैं जूले, तो अगर हम आप उनको अच्छे से बोलोगे ना जूले तो वो उसका रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली से यहाँ तक का सफर ये है कि नमस्ते की जगह जूले आ गया, जूले देखा, जूले भगवान बुद्ध की प्रतिमा है बड़ी सी, और उसमें 7 कटोरों में कांच के पानी भर के रखा हुआ है, कोई टच ना करे, उस पर लिखा है डोंट टच। फर्श एकदम चिल्ड थी और बैठ के वहाँ पे आप एकदम रिलैक्स फील कर सकते हो, क्योंकि ये सब इतनी चीज़ें बता रहे हैं कि मैं अंदर नहीं गया, मैंने बाहर से ही थोड़ा देख लिया, क्योंकि मैंने ना शूज पहने हुए हैं तो यार वो चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, ये घूम के आए। और फर्श कैसा था उसका, फर्श बता भाई, जो मार्बल थे ना अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत, आप कोल्ड सांस ले रहे हो ना उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है अंदर भाई, इतना ठंडा चिल्ड, 16 डिग्री के टेम्परेचर फेल है इसी का, घबरा क्यों रहा है, आराम से भाई, अब पता लग रहा है दिल्ली में रह रहा है क्या ना, मेंटली हेल्थ के साथ ना फिजिकल हेल्थ भी खराब है सबकी। ये देखो ये नोट की गड्डिया किसी काम की नहीं, अगर आप पहाड़ जाते हो घूमने के लिए तो मजा आ जाएगा, पैसे वैसे मत दिखाओ। भाई ये स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अम्मा छत पे कैरी सुखाती है, जितनी पुरानी हो उतनी सुहाती, इसका ना दोस्तों यहाँ पे ना हम रुकने वाले थे, पर यहाँ पे ना हमें बैड वैड कुछ नहीं मिला, पर मगर भाई थोड़ी सी बहुत तेज की इच्छा थी यहाँ पे रहने की, पर हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली, और जब जगह मिली तो एक एक बैड का भाई 600-600 रुपये मिल रहे हैं डोरमेट्री बैड के, भाई ये बहुत प्यारा वो है जो हॉस्टल है, ये कैंप है और ये पूरा हॉस्टल है इधर, और ये शाम को भाई यहाँ पे महफिल ही बन जाती है पूरी की पूरी। भाई इसमें टेस्टी पानी है ना बहुत ज़्यादा। सुमा हीरोज पता है आज का हमारा फ्लाइट करने का मतलब की प्लान था, बट ऊपर ना हिल्स पे काफ़ी क्लाउड वगैरह हो गए, जिसकी वजह से ना मतलब कि अभी कोई भी फ्लाइट नहीं ले रहा, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, और अभी ये हो 10-15 मिनट पहले यार,
मूड इतना अपसेट सा हो रहा है, मतलब इतना एक्साइटेड था। खैर चलो कोई नहीं, बाकी जो पायलट है उसने बोला कल कर लेना, कल हो सकता है मे भी सही हो जाए, तो सही होते मैं तो कह रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग भाई साहब उड़ा रही मार देंगे थोड़ा सीधा ऊपर। वो देखना ये देख लो कितने क्लाउड है इसकी वजह से, क्योंकि पायलट्स को समझ में नहीं आएगा कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग का व्लॉग देखना है ना भाई, वो इससे भी तगड़ा बनाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ इससे भी तगड़ा। यहाँ पे सबकी क्लास चल रही है जो सीख रहे हैं ना, सोलो राइड करते हैं। वैसे हमारा कुछ प्लान नहीं है, हमारी जीरो आइटनरी है, क्योंकि भीड़ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि भाई भीड़ में होती है इंडिया की सेकेंड सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग, जो कि अपने को करनी है। फट तो रही थी पर अपने को करनी है। फोन भी कितना भारी भाई। चलो दोस्तों मिलते हैं। सो व्हाट इज अप गाइस, तो जैसा कि तुम्हें पता है हम पैराग्लाइडिंग तो कर नहीं पाए थे, है ना, अभी ना क्लाउड हो जा रहा है ऊपर और बिलिंग की साइड में ना वहाँ पे क्लाउडी मौसम हो जा रहा है, हमारा फिर पैराग्लाइडिंग डिले हो गया। तो मतलब पूरी रात ट्रैवल करके और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मैंने सोचा एक दो घंटे सो लेता हूँ। मैंने दो घंटे की ही नींद ली, अलार्म लगा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई यहाँ पे अपना बिल्कुल भी वक्त ख़राब करना, क्योंकि ट्रिप मैंने बहुत छोटी सी मिनिमल सी रखी है, ठीक है। तो हमने दो घंटे सो लिए, तो सोने के बाद में हमने सोचा चलो कोई नहीं, हम दोनों थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चलते हैं लोकल में ऑफ बीट क्या है। तो हम अपने होटल से ना चले, थोड़ी बहुत मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी थी, तो पता नहीं मगर ये क्या चीज़ है पर भाई बहुत बहुत सुंदर है। देखनी है, देखनी है ना, देखनी है। 1 2 3 भाई बहुत सुंदर जगह है। मैंने ना जैसी रील स्टोरी लगाई ना इंस्टाग्राम पे, तो वैसी वो बोल रहे होटल से, अरे भाई कहाँ पे है जल्दी मेरे को बता, मैं भी आ रहा हूँ। भाई अब कहाँ से आए तुम लोग? बहुत शांत जगह है, वैसे पानी की आवाज़ आ रही है पर बहुत ज़्यादा शांत आवाज है, मस्त एकदम, बहुत प्यारी जगह है, सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है घूमने फिरने के लिए इतना कोई खास जगह नहीं है, ऑफ बीट प्लेस है, जहाँ भी नजर मारोगे वहीं पे व्यू मिलेगा तुम्हें। भाई यहाँ के ना गाड़ी वाले साइको है, सही बताऊँ मैं, इतने नहीं है आते चलते उड़ाते ही चलते बंदों को, यहाँ से लग रहा है शीशा किसी के, यहाँ लग रहा है कुछ नहीं देखते बंदे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स आ रहे हैं, ये अंग्रेज हैं, जो पता नहीं क्यों लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। लड़कियों मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ठीक है, एक साल पागल है तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। ऊट बल बला के पिए पानी मेरी जान, मिल गए भाई ये लोग मिल गए। क्या रे क्या था वहाँ पे, क्या था, स्टोरी देख के बबरा सी गए। दोस्तों हम ना यहाँ पे, यहाँ का बहुत फेमस और लोकल फूड है सिड्डू और एक लाफिंग, लाफिंग बहुत स्पाइसी होते हैं, मैंने पहले भी खाई है पर मेरे को नहीं पसंद वो, आपको अगर एक ही बारी में पसंद आ गई तो आगे बाकी मोमोज खेल है, मोमोज उसके आगे खेल। तो सबसे पहले हम ना सिड्डू ट्राई करेंगे कैसा होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। दो ले लूँ, किस चीज़ का बनता है मैम वैसे? वो बीट फ्लोर और राइस फ्लोर रहता है, ड्राई फ्रूट की स्टफिंग देती है, बाहर से आपको देसी घी और चटनी मिला के देंगे। ठीक है तो दो ले लूँ मैं, एक किलो का ले, अच्छा लग रहा है तो फिर ले। देख रहे हो ये होती है ओनस, ओनस हम बोले पहले देख ले सही लेगा फिर लेगा। अगर तुमने जहाँ जा रहे हो वहाँ का लोकल फूड नहीं खाया तो क्या खाया, टेस्ट करके बताते हैं यहाँ पे कैसा है। भाई खाने पीने ही आए हो। हाँ मेरा काड़ू, ओ कुड़ी मैनू कालू कहेगी, कोई वधिया जी क्रीम दसो। भाई ये बंदा ना रात को दिखता नहीं है, टॉर्च लानी पड़ती है। हाथ में ले थोड़ा थोड़ा कुछ खाएंगे। ये मेरे को कच्चा लग रहा है या मतलब ऐसा ही होता है ये? अच्छा पहले हुए तो बस ये भी खा ले इसको पाक खा ले। चेक कर रहा हूँ, बताता हूँ।
दोस्तों अब आएगा मजा, क्योंकि हम जा रहे हैं साइकिल रेंट करने और साइकिल से घूमेंगे भाई, एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए जितना टाइम मिलेगा अपने को मोनेस्ट्रीज घूमेंगे और साइकिल रेंट करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, कितने का है क्या नहीं है। नमस्ते भैया, ये सब वो साइकिल छेद रहे हैं, अभी जो जो चाहिए चला के देख लो। ओए ये वाली राइड करके देखो, सही है ये वाली मैं बोलूँ, देखो ये सही है, ये भी चेक कर लो, सही है गोलू। भाई बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, मगर फट बहुत रही है, चढ़ाई है ना यहाँ पे। क्या हेलमेट देख कल्लू का लिया भाई, खुद ही कुछ चल दिया, देख रहे हो खुद ही कुछ चल दिया। कल्लू का लिया ट्रेल देख रहे हो भाई, नेक्स्ट लेवल हो रहा है, नेक्स्ट लेवल भाई, स्टार अगर आ रहे हो ना भाई साइकिलिंग जरूर करना। और एक ट्रैक तो ऐसा आया था ना भाई, पैंडल मारने की जरूरत ही नहीं है, 50 की स्पीड आराम से रास्ता। ओ ओ ओ ओ मेरी शर्ट गिर गई है भाई, वहाँ पे ना एक आंटी खड़ी हुई थी, ठीक है, दोनों ने देखा ये बच्चे ना बहुत थके हुए हैं, क्योंकि हम जिस स्पीड में यहाँ से गए थे ना नीचे, ऊपर आने में उतनी ही फट रही है, मुझे दिखा आंटी इतनी प्यारी है, आंटी ने बोला बेटा पानी पी लो, और ये कह रहा मेरा वो पानी भी लेके आ, कितने अच्छे होते हैं यार यहाँ के हिमाचल के बंदे सब। बेटे शमशुदा कीमत देखो अभी कितनी भाई, सही में यार के चलती ही जाती है जिंदगी यूं है, के चलती ही जाती जिंदगी यूं है, के चलती ही जाती है जिंदगी यूं है, के चलती ही जाती है। मजा आ गया भाई साहब, मजा आया बहुत ज्यादा भाई, हालत खराब है, मजा आया भैया? हाँ मजा आया भाई, मजा आया जाते टाइम पे, मजा आया लेकिन आते टाइम पे हालत खराब हुई ब्रो, इट्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, मजा आया बोलो, बस मजा आया भाई, मजा, थैंक यू भैया, मजा आ गया, यहां हक दे यार, बोलो जो हालत खराब हुई वो अलग ही, अच्छा शायर तेरी दिल की दुआ हूं तुझको जो अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के दरमियाँ न जाने कॉपीराइट नहीं आएगा, सुनो तुम दबा के दोस्तों, हमने ना काफी मजे कर लिए यार, वो साइकिलिंग करके तो पैर के ना बैंड बच चुके हैं बहुत ज्यादा, मतलब चलने में ना स्टेप रख रहा हूँ ना पता लग रहा है। अब हम आ गए हैं बीर के लैंडिंग साइट पे अगेन, अबे बच्चों चुप रहोगे, शांति से बैठेंगे और आराम से चिल करेंगे, रेस्ट करेंगे मतलब। सो माय हीरोज, आज हमारा डे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ हमने छोटी छोटी एक्टिविटी करके दिखाई, जहाँ हमने साइकिलिंग देखी, हमने मोनेस्ट्री विजिट करी और अपना थोड़ा बहुत फूड भी देखा, सिड्डू ट्राई करा, मतलब जो जो था मैंने सब कुछ आपको ट्राई करवाया और दिखाया, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, ये था पार्ट वन, और जो पार्ट टू है वो कल आएगी, बोलना नहीं जा रहा मैं बता रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट कल मैं शूट करूंगा, और सेकंड पार्ट जरूर देखना भाई, पैरा ग्लाइडिंग होने वाली है उसमें, पैरा ग्लाइडिंग होने और ऐसे होने वाली है ना भाई, पूछोगे नहीं, क्योंकि जिस पैरा ग्लाइडिंग जिस पायलट से हम करवा रहे ना वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला, मतलब सबसे पुराना वही है, हमने सोचा थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा कोई बात नहीं, मगर सेफ्टी जरूरी है। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।
ओह।